वैसे तो पूरा स्विट्जरलैंड ही बहुत सुंदर है एंड यहाँ की माउंटेन पीक्स मेस्मराइजिंग है एंड टिटलिस इज वन ऑफ द बेस्ट। हमने ये स्विट्जरलैंड ट्रिप अगस्त के फर्स्ट वीक में किया और टिटलिस वॉज द लास्ट माउंटेन ट्रिप वी डिड। टिटलिस जाने के लिए आप एंजलबर्ग आते हैं, मीन्स एंजलबर्ग इज द बेस्ट टाउन फॉर टिटलिस। वैसे एंजलबर्ग अपने आप में ही इतना खूबसूरत है कि क्या कहने। एंजलबर्ग स्विट्जरलैंड के लूजन शहर से डायरेक्टली ट्रेन से जुड़ा हुआ है। वहाँ से आप 1.5 घंटे की जर्नी करके यहाँ आ सकते हैं एंड डेफिनेटली द जर्नी इटसेल्फ इज माइंड ब्लोइंग। टिटलिस के लिए आप एंजलबर्ग से गंडोला लेते हैं। टोटल गंडोला राइड कुछ 20 से 25 मिनट चलती है और फिर आप पीक पर पहुंच जाते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी गंडोला राइड पे। हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और अब हम क्लाइम करेंगे हमारे फर्स्ट स्टेशन की तरफ। और ये आप पीछे देख रहे हैं ये एंजलबर्ग सिटी जो इतनी खूबसूरत लग रही है। And views from gondola are awesome. Right from wooden houses, grasslands, lakes and mountain rocks topped with snow. टिटलिस का रोपवे दो पार्ट में है। अभी हम पहले पार्ट में हैं। यहाँ से आप ग्रासलैंड ट्रीज देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में रिवॉल्विंग गंडोला चलता है जो 360 व्यू दिखाता है। जैसे जैसे हम पीक की ओर जा रहे हैं व्यूज ऑसम होते जा रहे हैं। एंजलबर्ग टाउन लुक्स सो टाइनी फ्रॉम हियर। और ये देखिए लेक का क्या ऑसम व्यू है। और यहां से आप थोड़ी थोड़ी बर्फ भी देख सकते हैं और पीक पे तो पूरी बर्फ है। अब हम सेकंड बेस पे पहुंच गए हैं। यहां से हम रिवॉल्विंग गंडोला लेंगे। और ये हमारा रिवॉल्विंग गंडोला आया। लेट्स गो इनसाइड। टिटलिस की बुकिंग आप नीचे काउंटर से भी करवा सकते हैं या फिर आप इंडिया से भी करवा सकते हैं। हमने अपनी बुकिंग स्विस टूर से करवाई थी।
बुकिंग कॉस्ट अप्रॉक्स 7,000 to 8,000 पर पर्सन है। अगर आपके पास स्विस पास है तो यह कॉस्ट अप्रॉक्स 5,000 रुपीस पर पर्सन हो जाती है। और ये देखिए चारों तरफ बर्फ का क्या व्यू है, रॉक्स एंड स्नो। जैसे जैसे हम पीक की तरफ मूव करते हैं चारों तरफ स्नो का व्यू आता है। तो फाइनली हम पीक पे पहुंच गए हैं, अब बाहर जाके व्यू एंजॉय करते हैं। एक रेस्टोरेंट भी है जहां आप ओपन एरिया में वादियां एंजॉय करते हुए खाने का मजा भी उठा सकते हैं। आप अदर माउंटेन एक्टिविटीज जैसे क्लिफ वॉक जो यहां फ्री है और ज़िपलाइन भी कर सकते हैं। हम पीक पर करीब 4 घंटे थे एंड एवरी मिनट वॉज दी बेस्ट। अगर आप स्विट्जरलैंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसमें टिटलिस ज़रूर ऐड करें एंड आई एम श्योर आप टिटलिस के साथ साथ एंजलबर्ग को भी कभी नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल।